सुंदर सुशील थोड़ी स्पेशल ढूंढेंगे। ये बीवी पति का मनचाहा खाना बनाती है। पति के लिए डिब्बा लेकर जाती है। ये बीवी पति को सरप्राइज देती है। ये है सीरियल गुलाम के वीर यानी विकास मानकटाला की बीवी गुंजन, जो है अपने पति देव की बीवी नंबर वन। मिल गया है सास बहु और बेटियां का साथ, और हमारे साथ मिलकर गुंजन ने प्लान किया है अपने पति विकास के लिए एक बेहद खास सरप्राइज। सास बहु और बेटियां में आप सबका स्वागत है। मैं गुंजन वालिया, आल्सो नोन एज विकास, गुंजन विकास मानकटाला। जी हाँ, मैं विकास मानकटाला की बीवी हूँ, आपके वीर की बीवी। तो आज मैंने सोचा उनको थोड़ा सरप्राइज किया जाए। उनको एक केक है जो मैं बनाती हूँ, वो और रंगीला परम और विकास, दे लव दैट केक। तो आज वो थोड़ा मैं आई डिड अ बिट ऑफ एक्टिंग। मैंने कहा कि आज मुझे ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप प्लीज़ बाहर से ऑर्डर कर लेना है खाना लंच ब्रेक के लिए, बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर देम। सो आज मैंने उनका फेवरेट खाना बनाया है। हम चलते हैं किचन में जहाँ पे पूरा पैक किया जाएगा और केक थोड़ा सा डेकोरेट किया जाएगा, लिटिल चाइल्डिश बट इट्स काइंड ऑफ क्यूट। तो चलो चलते हैं। सरप्राइज देने के लिए गुंजन ने की है खास तैयारी और बनाया है उनके लिए उनका फेवरेट खाना, जिसे अब वो कर रही है डिब्बे में पैक। ये विकास की फेवरेट डिश है और स्टीम्ड राइस के साथ खाते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चने का सूप, काले चने का सूप। ये बहुत ही हेल्दी होता है, गिव्स एक्स्ट्रा बूस्ट एंड एनर्जी, सो इट्स ऑलवेज अ वेरी हेल्दी डाइट फॉर हिम। कहते हैं लजीज खाना बिना स्वीट डिश के अधूरा है, तो गुंजन ने किया है उसका भी इंतजाम। जरा देखिए कैसे अपने हाथों से उन्होंने बनाया है वीर यानी विकास का फेवरेट केक, और अब वो कर रही है उसे डेकोरेट। सो दिस इज अ टच, लास्ट टच, एंड आई थिंक इट्स क्यूट। मुझे ना क्यूट चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, बचपना थोड़ा रहना चाहिए ना, यू शुड ऑलवेज कीप द चाइल्ड इन योर लाइफ। तो चलो चलते हैं सरप्राइज देने, इससे पहले वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दें और मेरा खाना वेस्ट हो जाए, मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। तो भाई सुंदर सुशील और सर्वगुण संपन्न बीवी की तरह गुंजन ने किया डब्बा पैक, और सास बहू और बेटियां के साथ निकल पड़ी घर से सीरियल गुलाम के सेट की ओर।
उसे करवाने की। मेरी डियरेस्ट डियरेस्ट क्यूटेस्ट गुलगुली जी से गुंजन को मिलवाने आया हूँ। और कम गुंजन इस तरह गुंजन को मिलवाने आए तो गुंजन इधर होनी चाहिए पास में। और मेरा बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एक कनेक्शन गुलगुली जी के साथ इतना सही सा है। और उसके पीछे एक सीक्रेट भी है कि आई एम ममाज़ बॉय और मेरी ममा का बर्थडे भी 1 जून को होता है और इनका भी 1 जून को होता है। और एक ये बहुत अमेजिंग कोइंसिडेंस है और डीपर कनेक्शन है जिससे मुझे लगता है कि मैं सडनली एकदम आई फील लाइक आई एम हर सन। और हमारी ऐसे बहुत अमेजिंग मोमेंट्स भी रहे हैं। दिखता है ना, ये है नहीं, ये बिल्कुल नारियल है, ऊपर से सख्त अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। चौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा आधा है नॉन वेज और वेज है आधा स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी चाहिए नान या बोटी मंगा लो राम कसम कष्ट। सबसे मिलने के बाद आखिरकार बारी आई पेट पूजा की और इस सरप्राइज लंच पार्टी में वीर और उनकी मम्मी गुलगुली के साथ शामिल हो गए रंगीला भी। और राजस्थान में जब किसी का सम्मान किया जाता है या आवभगत की जाती है या प्यार जताया जाता है तो पहला निवाला खिलाया जाता है उनको, अगर साथ में खाना खाने बैठते हैं तो मैं इसको पहला निवाला खिला रही हूँ गुंजन को। राजस्थानी पराठा है और ये राजस्थानी गट्टे की सब्जी है। थैंक यू बेटा। वाओ, अरे तुम्हारा खाना तो बहुत ही अच्छा होता है, खुशबू से पागल हो जाते हैं हम लोग। सीरियल में भले ही वीर रंगीला पर टशन दिखाते हैं लेकिन असल जिंदगी में दोनों हैं एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त। और जरा देखिए कैसे वीर प्यार से खिला रहे हैं रंगीला को खाना, खाने का मजा दोगुना हो जाता है अगर यमी खाने के साथ हो चटपटी गपशप। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ और जरा देखिए कैसे खाने की टेबल पर गुंजन ने खोला एक राज। उन्होंने एक फोटो दिखाई मुझे आपकी और इनकी। Oh my God. नहीं सुनो ना, बहुत प्यारी की फोटो एंड बहुत ही हैप्पी थे दोनों उस पिक्चर में दिख रहे हैं। एंड ही सेड इसको देख के ना कभी छोटे भाई वाली फीलिंग आती है, वैसा प्यार आता है इस पे मुझे। मैंने कहा बोल दिया करो इसको प्यार आता है बट इनको प्यार एक्सप्रेस नहीं करना आता। ये मेरे साथ भी नहीं करते। He will never say it, but I have to feel it, that I can feel it, you know. अगर मैं रात को बना के रखती हूँ कि कल इनको शॉप पे लेके जाना होगा तो आधी रात को आधा केक चट हो जाता है। ये रात को उठ के वो एक एड आती थी ना, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता, रात को उठ के विकास का गायब, विकास किचन में फ्रिज खोल के आधा केक चट। मतलब हम दोनों में कैसा ना कि मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला और ये बहुत ज्यादा इतना बोलती हूं ना मैं, आई नो, वही तो बैलेंस है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे कोई मानना पड़ेगा विकास और गुंजन की जोड़ी है बड़ी ही प्यारी खट्टी मीठी सी जोड़ी। और देखिए जितने प्यार से गुंजन अपने पतिदेव के लिए खाना बना कर लाई है उतने ही प्यार से ये एक दूसरे को खाना खिला भी रहे हैं। टेस्टी खाने के बाद बारी थी मुंह मीठा करने की, यानी गुंजन के बनाए विकास के इस फेवरेट केक को चखने की। मजे की बात ये कि ये केक जितना पसंद है विकास को उतना ही परम को भी। मैं रोज आता हूँ इसके रूम में लंच करने, मैं सोचता हूँ कि आज मैं डाइट करूँगा, फिर ये कहते केक खाएगा तो मैं कहता हूँ हाँ भाई खाएंगे। अब व्हाट गुंजन कुक्स रियली, ये केक स्पेशली क्योंकि ये हेल्दी है, ये फैटनिंग नहीं है, इसमें कुछ फालतू चीज़ें नहीं है, जो बटर है इसमें, चॉको चिप्स है इसमें, वो भी नहीं है, तो ये केक है फिर भी
वो भी हेल्दी है, सब कुछ हेल्दी है। आप जरा बताइए, आपने बताया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे? प्लीज बताइए। रेसिपी नहीं दे सकती ना मैं। क्यों? ये सब बोल रहे हैं मुझे रेसिपी देने के लिए इस केक की, बट वो किसी कुकरी शो में दूंगी, यहाँ तो नहीं दूंगी मैं। केक चखने के बाद बारी थी ये जानने की कि आखिर किसको केक कैसा लगा। परफेक्ट नाइन, मेरे को 10 आज तक कोई ऐसा मेरे को लगा नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद खाना पेट भर जाता है तो कुछ समझ नहीं आता, बट दिस इज 9, दिस इज सुपर बेस्ट, लाइक दिस इज टॉप। ये केक बहुत सॉफ्ट है, स्पंजी है और हेल्दी है, तो इसको डेफिनेटली 9 नंबर तक मिलने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये हेल्दी है। नो नो, आई वुड हैव गिवन इट अ 10 इफ देयर वर नो जेम्स। केक को इतना यमी तो उसे चखना तो बनता है ना, तो लीजिए इस केक का स्वाद उठाने के लिए पहुंच गई मालदा वाली भी। So I'm completely vegetarian or that's all right, I cake also, I mean this one doesn't like sweets, तो मैं इसको सबसे पहले खिला रही हूँ, एंड जो मेरे लिए केक लाया मैं उसे भी खिलाऊंगी, मीठे से शुरुआत होनी चाहिए ना। There you go, welcome to our set and keep coming। तो देखो इस मीठे मीठे केक ने कैसे बना दिया इन दोनों के बीच सहेलियाना। पर केक के सेशन के बाद बारी थी फैंस के साथ लाइव चैट की, जिसके लिए इकट्ठा हो गए वीर और रंगीला। रंगीर लव यू, हाय परमुआ। ए रणधीर, कर देगा इससे ज्यादा है। लव यू विकास, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू टू, बहुत ऑसम। विकास सर, यू आर माय फेवरेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल, बोथ ऑफ यू अमेजिंग, बोथ ऑफ यू अमेजिंग, आई लव साटा रणधीर, ओ हो यू बोथ लुकिंग हॉट मैन, हाय परम विकास, हाय, हे व्हाट्स अप, वी लव यू परम, लव यू, हेलो गाइस, हे हे, थैंक यू, जो भी सवाल पूछना चाहते पूछ लो। दे आर जस्ट सेइंग हाय, हेलो, हाउ आर यू। वैसे वीर और रंगीला की जोड़ी की खास बात ये कि सीरियल में भले ही इनका टशन दिखता हो, लेकिन असल जिंदगी में ये दोनों हैं अपने फैंस की फेवरेट जोड़ी, और तभी तो इनके फैंस ने इनकी जोड़ी को नाम दिया है रणवीर की जोड़ी, यानी रंगीला का रन और वीर का वीर। I am most wanted. Okay, now guys, we have to go to shoot right now. So we'll see you guys later. Thank you so much for doing this tonight. And for the rest of the segment and the whole segment, watch Saas, Bahu and Betiyaan. Whom you love, star. तो देखा आपने कैसे आज वीर यानी विकास की प्यारी श्रीमती ने सास बहु और बेटियां के साथ मिलकर उनके लिए प्लान किया ये खूबसूरत सरप्राइज। थैंक यू सास बहु और बेटियां, इतना अच्छा, इतना प्लेजेंट सरप्राइज था कि आप मेरी एक्चुअली रियल बेबी डॉल और मेरी स्वीट हार्ट को यहाँ पर ले आए। थैंक यू फॉर द लवली फूड, थैंक यू फॉर बीइंग माइन, आई फील प्राउड, एंड फॉर सच डिलीशियस केक, थैंक यू फॉर सो मच फन, फॉर सच अ ब्यूटीफुल सरप्राइज वंस अगेन, एंड द लाइव चैट एंड द कनेक्शन एंड एवरीथिंग, थैंक यू सासो बेटियां, वी लव यू। मुंबई आज तक।